खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए हमने ये लिया है 250 ग्राम मैदा, 100 ग्राम सत्तू, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, आधा चम्मच से भी कम हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ 10-12 लहसुन, 1 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च, थोड़ा सा खड़ा जीरा, अजवाइन आधा चम्मच। सभी मसाले को पानी में भिगो देंगे 10 मिनट के लिए। गाढ़ा घोल बना देंगे। कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें 4 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालेंगे। इसे सरसों तेल में ही भूनेंगे सत्तू को। गरम हो चुका है, अब इसमें तेज पत्ता और लाल मिर्च को डाल दिए हैं, जीरा को भी डाल देंगे, अजवाइन को थोड़ा क्रश करके डालेंगे। हींग बोलना भूल गई थी, इसमें हींग भी डलेगा आधा चम्मच। भुन गया है, अब इसमें क्रश किया हुआ लहसुन को डाल देंगे, तो ब्राउन होने तक भूनेंगे। ब्राउन हो गया है लहसुन, अब इसमें मसाला डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आधा मिनट में लगभग भून गया है मसाला, अब इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी थोड़ा पिघल जाने के बाद फिर सत्तू डालेंगे। सत्तू डल गया है, इसमें आमचूर डाल देंगे, इसे थोड़ा सा मिलाते हुए 1 मिनट भून लेंगे। सत्तू भुन गया है, अब गैस को बंद कर देंगे। इसको ठंडा होने के बाद कचौड़ी में भरेंगे। नमक डालना भूल गई थी, मैंने नमक मिला के इसको तैयार कर लिया है। इस बर्तन में मैंने मैदा रख लिया है, अब इसमें क्रश करके अजवाइन डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। नमक डाल देंगे 4-5 चम्मच, इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, रिफाइंड ले रहे हैं, 4 चम्मच, कम लगे तो फिर और ले सकते हैं। इसको मिला लेंगे। मोयन को मिला दिए हैं मैदा में, अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, इतना मुट्ठी बनने जितना इसमें मोयन पड़ेगा। अब इसको गूंथ लेते हैं, थोड़ा कड़ा रोटी से थोड़ा सा कड़ा आटा गूंथेंगे मैदा को। बहुत मसल मसल के नहीं, बस इसको जोड़ेंगे आटा को। आटा गूंथ के तैयार हो गया है, अब मैं इसे इस तरह से मिलाते हुए, बहुत गीला नहीं करना है आटा को, इतना इस तरह से इतना कड़ा रखना है। इसे 10 मिनट अब रेस्ट पे रख देंगे आटा को ढक के। दस मिनट हो गया है और मैदा का डो तैयार हो गया है, अब इसका बेल बना लेंगे। रोटी से थोड़ा बड़ा बड़ा लोई बनाएंगे। दो
गोल सेव करके बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बेलने से ना फटेगा नहीं। सत्तू ठंडा हो गया है, आधा आधा चम्मच करके इसमें भर लेंगे। इस तरह से भर के इसको दबा लेंगे। कचौड़ी भर लिए हैं, अब इसको हल्का हल्का, ज्यादा बेलेंगे नहीं, हल्का सा सेक देंगे। बस हल्का हल्का दबाओ, इतना मोटा इस तरह का बनेगा। अगर चिपकेगा तो इसमें आप हल्का तेल लगा के बेल सकते हैं। तेल गरम हो चुका, बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे और जब हल्का ब्राउन हो जाए इसको पलट लेंगे। इतना ही ब्राउन होने तक दूसरे साइड से भी इसको सेक लेंगे। देखिए दोस्तों, ये पक के अच्छी तरह से सिक गया है एक साइड से। अब एक साइड से पलट लेंगे इसको, दूसरे साइड से भी इसे आराम से धीरे धीरे पलट लेंगे और इसे इस लो टू मीडियम आंच में ही रखेंगे, तेज आंच में इसे नहीं पकाएंगे। खास्ता कचौड़ी अब तल गया है, इसे निकाल लेंगे।